वेलकम बैक गाइस, फिर से आ चुका हूँ धमाकेदार गेमप्ले के साथ। ये 500 रुपया का 101 पूरामी होने वाला है। कार्ड मेरे को मिल चुका है, देखता हूँ कार्ड कैसा मिला है। जुकर भी है, पीओ सीक्वेंस भी है। हुकुम का 6-7-8 पीओ सीक्वेंस हो गया, 4 का सेट बना लिया और यहाँ पे 3 का सेट बनने का भी चांस है। चिड़ी का 7 नहीं है, जुकर देखे 6-7-8 कर लिया। इनका छे काम आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 400 का सीक्वेंस बन सकता है। मैंने गुलाम को फेंक दिया, जुकर देखे 400 का सीक्वेंस बना लिया। अभी चिड़ी का 3 एक्स्ट्रा कार्ड है, अभी सिर्फ एक कार्ड चाहिए। एक कार्ड मिल जाने से डिक्लेयर हो जाएगा एक जुकर चाहिए या फिर चिड़ी का 7। दो बंदों ने ड्रॉप कर चुका है, इसने इनका आठ उठा लिया, इनका बादशाह। ठीक है, देखता हूँ, इसने तो ड्रॉप कर चुका है इनका बादशाह, लेकिन फायदा नहीं होने वाला है। हुकुम का नौ को अभी रहने देता हूँ क्योंकि यहाँ पे 6 का सेट बनने का चांस है। अभी भी एक कार्ड चाहिए, कार्ड नहीं मिला। चिड़ी का 3 एक्स्ट्रा कार्ड है, पहले मैं 6 का सेट बना लेता हूँ। चिड़ी का 8 एक्स्ट्रा कार्ड है और चिड़ी का 3। मैंने सोचा कि चिड़ी का 8 को ही फेंकता हूँ, लेकिन इसने चिड़ी का 8 उठा लेता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ही मेरे को एक कार्ड चाहिए, इस बार शायद डिक्लेयर हो जाएगा। इसने चिड़ी का गुलाम फेंका है, इसे लेके फायदा नहीं होने वाला है। चिड़ी का पांच लेके भी डिग्लार नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं सीक्वेंस बना लेता हूँ। अभी मैं 4 को फेंकने वाला हूँ। हुकुम का 6 मेरे पास है तो फिर 7 भी मेरे पास है। 4 को फेंकता हूँ, उठाने का चांस नहीं है। देखता हूँ क्या होता है, अभी भी एक कार्ड चाहिए। इसने 4 को भी उठा लेता है। 4 को उठा के हुकुम का 3 फेंका है, मतलब 4 का सेट बनाया होगा। इसने भी पत्ता उठाया, सबके पास अच्छा कार्ड है। चिड़ी कार्ड लेके फायदा नहीं होगा, मेरे को 3 मिल चुका है, अभी शायद डिक्लेयर हो जाएगा। 6 को हटाता हूँ और चिड़ी का 6 भी और हुकुम का 6 हुकुम का पत्ते के साथ डाल देता हूँ। अभी मैं 3 का सेट बना लेता हूँ। 5 का 3, चिड़ी का 3, इनका 3 और 5 का 4 एक्स्ट्रा कार्ड है। सीक्वेंस सेट सब कुछ तैयार है। अभी 5 का 4 देखे मैं फिनिश करता हूँ, देखता हूँ उन लोगों का कितना पॉइंट हो रहा है। उसने भी पत्ता उठाया है, ज्यादा पॉइंट शायद नहीं होगा। इसका 2 पॉइंट हुआ है, 4 का सेट बनाया था इसने और इसका भी 2 पॉइंट हुआ है और मेरा अभी 0 है। जिसने ड्रॉप किया था उसका 20-20 पॉइंट हुआ है। नेक्स्ट डील स्टार्ट होने वाला है, देखता हूँ कैसा कार्ड मिलता है। जुकत तो है, प्योर सीक्वेंस नहीं है, अभी भी 4 का सेट बन सकता है। हुकुम का 4, 5 का 4 और चिड़ी का 4 को भी ले सकता हूँ। प्योर सीक्वेंस नहीं है, पहले मेरे को पीओ सीक्वेंस बनाने का है। इनका 1 का 2 है, इसको तो फेंकना पड़ेगा। और चिड़ी का गुलाम भी काम आ सकता है, इसने तो 5 का 1 का फेंका, ये लेके फायदा नहीं होने वाला है। देखता हूँ 5 का 4, 5 का 4 मेरे पास है, लेकिन 1 का कोई फेंकता हूँ, ज्यादा पॉइंट रख के फायदा नहीं होगा। ये 101 पुल है, 100 से ज्यादा पॉइंट हो जाने से मैं आउट हो सकता हूँ। इसने बादशाह फेंका है, ये तो बादशाह को उठा लिया। ठीक है, इस बार देखता हूँ, मेरा पीओ सीक्वेंस वाला पत्ता चाहिए। हुकुम का आठ उठा लेता हूँ, मेरे पास पीओ सीक्वेंस नहीं है। जुकर देखे इसे, एक तो मेरा पीओ सीक्वेंस बन गया, पिछले बार 1 का को फेंका था, इस बार भी 1 का को फेंक देता हूँ, उठाने का चांस नहीं है। अभी भी मेरा 2 कार्ड एक्स्ट्रा है, सही सही 2 कार्ड मिल जाने से मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। चिड़ी का गुलाम के आसपास पत्ता मिल सकता है, इनका 9 के आसपास भी पत्ता मिल सकता है। देखता हूँ ये क्या फेंकेगा। इस बार इसने इनका 3 फेंका है, ये लेके फायदा नहीं होने वाला है। क्लोज डेस्क से देखता हूँ, जोकर मेरे को मिल चुका है। अभी मैं 5 का 4 को छोड़ने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास ही बहुत सारा 4 है। 4 मिलने का चांस नहीं है कि मैं सेट बनाऊँ, इसलिए मैं 5 का 4 को फेंक देता हूँ। इनका 9 और चिड़ी का गुलाम के आसपास पत्ता मिल सकता है। अभी भी मेरे पास 2 जोकर एक्स्ट्रा है, इस बार शायद रेगुलर हो जाएगा। चिड़ी का पत्ता किसी ने नहीं फेंका, चिड़ी का गुलाम के आसपास पत्ता मिलने का बहुत ज्यादा चांस है। देखता हूँ इस बार क्या होता है, लेकिन इसने तो डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 2 जोकर के साथ गुलाम के साथ मैं सीक्वेंस तैयार करता हूँ। इनका 9 मेरा एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे इनका 9 के साथ सेट मैं नहीं बना पाऊंगा तो फिर मेरा पीओ सीक्वेंस नहीं रहेगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ, इस बार मेरा 9 पॉइंट हुआ है और जिसने डिक्लेयर किया उसका 2। इस बार कार्ड देख लेता हूँ, इस बार अच्छा कार्ड नहीं मिला, जोकर भी नहीं है, लेकिन एक पीओ सीक्वेंस है। चिड़ी का 1 का बेगम बादशाह पीओ सीक्वेंस, यहाँ पे 4 का सेट बन जाएगा। हुकुम का 4, 5 का 4 और चिड़ी का 4, 3 का सेट बनने का भी चांस है। 5 का 7 और 5 का बादशाह एक्स्ट्रा कार्ड है। चिड़ी का 10 गुलाम है, पीओ सीक्वेंस बन सकता है। चिड़ी का बेगम या फिर चिड़ी का 9 मिलेगा तो ही मैं खेलने वाला हूँ, नहीं तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। 1 का 1 का लेके फायदा नहीं होने वाला है, मैं इसे ड्रॉप करता हूँ। अभी मेरा 9 पॉइंट हुआ है, अभी रिस्क ले लूंगा तो ज्यादा पॉइंट हो सकता है। अभी भी बहुत सारा डील बाकी है। इसे डिक्लेयर करने के बाद मेरा पॉइंट हुआ 29। इसके बाद भी मेरे को अच्छा कार्ड नहीं मिला। प्योर सीक्वेंस तो है लेकिन जोकर नहीं है, और एक सीक्वेंस मेरे को बनाना पड़ेगा। इनका 1 का या फिर इनका गुलाम मिलेगा तो मैं खेल सकता हूँ। 2 8 है, 8 का सेट बनने का भी चांस है। देखता हूँ इसने क्या फेंकेगा, इनका पत्ता फेंकेगा तो मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। चिड़ी का बेगम लेके फायदा नहीं होगा, मैं भी इसे ड्रॉप करता हूँ, ज्यादा रिस्क लेके फायदा नहीं है। और इसे डिक्लेयर करने के बाद मेरा पॉइंट हुआ है 49 और एक के पास है 71, उसका सबसे ज्यादा हो चुका है। इस बार बहुत ही अच्छा कार्ड मिला है, सिर्फ 1 कार्ड चाहिए। हुकुम का 2 3 4 5 पीओ सीक्वेंस हो गया, इनका 9 10 गुलाम भी पीओ सीक्वेंस है। अभी चिड़ी का बादशाह चाहिए या फिर एक जोका, सिर्फ 1 कार्ड चाहिए। 1 कार्ड मिल जाने से डिक्लेयर हो जाएगा। एक के पास 71 62, शायद ये दोनों बंदा आउट हो सकता है इस बार अगर मैं डिक्लेयर कर दूं तो। ये क्या बादशाह फेंकेगा क्या, इसने तो 1 का को उठा लिया तो फिर बादशाह मिलने का चांस नहीं है। बादशाह काम का नहीं है, जोकर मेरे को मिल चुका है। अच्छा हुआ इनका 7 देके मैं इस बार फिनिश करता हूँ। देखता हूँ यहाँ से कितना
बंदा आउट हो रहा है। देख लेता हूँ क्या होता है। दो लोगों का 100 से ज्यादा पॉइंट हो गया, दो लोग आउट हो चुका है। नेक्स्ट डील स्टार्ट होने वाला है, देख लेता हूँ कार्ड कैसा मिलता है। इस बार जोकर एक आया है, प्योर सिक्वेंस नहीं है, इसे मैं नहीं खेल सकता। इसे खेलूंगा तो मैं जरूर आउट हो सकता हूँ, क्योंकि प्योर सिक्वेंस नहीं है और सिक्वेंस बनने का चांस नहीं है, छोटा कार्ड नहीं मिलेगा, इनका नॉलेज का फायदा नहीं होगा, मैं इसे ड्रॉप करता हूँ। उन लोगों का पॉइंट देखो, एक के पास है 94, उसको तो खेलना ही पड़ेगा, लेकिन 58 वाला बंदा डिक्लेयर कर चुका है, इसका 22 हुआ है, मतलब एक बंदा यहाँ से भी आउट हो चुका है। अभी तीन बंदा बाकी है, स्प्लिट प्राइज का ऑप्शन आ चुका है, लेकिन स्प्लिट प्राइज मैं नहीं करने वाला हूँ। अभी भी एक ड्रॉप करने का पॉइंट है, जो फास्ट है उसका 2 ड्रॉप करने का पॉइंट है, लेकिन वो स्प्लिट प्राइज करना चाहता है, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। नेक्स्ट डील स्टार्ट होने वाला है, देखता हूँ क्या होता है। जिसके पास है 83, वो तो खेलना ही पड़ेगा, उसका ड्रॉप देने का पॉइंट नहीं है। इस बार थोड़ा बहुत कार्ड अच्छा मिला है, 2 जोकर है और पियो सिक्वेंस नहीं है, लेकिन पियो सिक्वेंस बन सकता है। हुकुम का इक्का बसा है, बेगम मिल जाने से पियो सिक्वेंस हो सकता है, या फिर पान का 9, देखता हूँ क्या होता है। फिर से हुकुम का इक्का, इसे लेके क्या करूंगा, इसको ही छोड़ता हूँ। उसके पास अगर बेगम रहेगा तो फेंक सकता है, इसको तो खेलना ही पड़ेगा। मेरे को पियो सिक्वेंस पहले बनाना का है। इनका बेगम है, चिड़ी का बेगम है, बेगम का सेट बन सकता है। इनका 10, इसे मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास पियो सिक्वेंस नहीं है, इसे ले लूंगा तो एक पियो सिक्वेंस मेरा बन गया। अभी मैं चिड़ी का बेगम को फेंक देता हूँ, बेगम का और काम नहीं है, सेट नहीं बनेगा। अभी मैं चिड़ी का बेगम को फेंक देता हूँ, और चिड़ी का 9 भी एक्स्ट्रा कार्ड है। हुकुम का इक्का मैंने छोड़ा हूँ, बेगम मिलेगा क्या, देखता हूँ इस बार ये क्या फेंकेगा। मेरा काम का होता फेंक देगा तो मैं जल्दी जल्दी पॉइंट कम कर सकता हूँ। 10 नहीं चाहिए, 9 चाहिए, 2 मिल चुका है, ठीक है रहने देता हूँ, यहाँ पे 2 का सेट कम आ जाएगा। चिड़ी का 9 को मैंने अभी छोड़ देता हूँ। अभी इनका 8 और हुकुम का 4 एक्स्ट्रा कार्ड है, 2 कार्ड एक्स्ट्रा है, देखता हूँ इसने बादशाह फेंका है, बादशाह लेके फायदा नहीं होने वाला है। क्लोज डेक्स से देखता हूँ, जोकर मिल चुका है, अच्छा हुआ। अभी मैं इनका 8 को छोड़ देता हूँ, उसने इनका 10 फेंका है, मतलब 8 उठाने का चांस नहीं है। अभी हुकुम का 4 भी एक्स्ट्रा कार्ड है, लेकिन यहाँ पे इसने इनका 8 को उठा लेता है, ठीक है कोई बात नहीं, शायद 8 का सेट बनाया होगा। मेरे को एक कार्ड चाहिए, सही से एक कार्ड मिल गया तो इसी बार डिक्लेयर हो जाएगा। इसने बैगम फेंका है, फायदा नहीं होने वाला है। देख लेता हूँ, मेरे को भी पान का बैगम मिला है, इसे रख के फायदा नहीं होगा, इसको ही जाने दिया, उठाने का चांस भी नहीं था। सिर्फ एक कार्ड चाहिए, बादशाह नहीं चाहिए, चिड़ी का 9, इसे तो पहले ही मैंने फेंका था, नहीं उठाया, इस बार भी नहीं उठाएगा। एक कार्ड चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है, पान का 9 ये कम आ जाएगा। अभी जोकर मेरा फ्री हो गया, जोकर के साथ 2 का सेट बना लिया, हुकुम का 4 एक्स्ट्रा कार्ड है, इसे देखे मैं फिनिश करता हूँ, देखता हूँ उसका कितना पॉइंट हो रहा है। 28 भी आउट हो चुका है। स्प्लिट प्राइज मैं नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि अभी भी एक ड्रॉप करने का मौका है। नेक्स्ट डील स्टार्ट होने वाला है, देखता हूँ इस बार कैसा कार्ड मिलता है। जोकर तो है, पियो सिक्वेंस भी है, इनका 1 का 2 3 4 यहाँ पे 4 तसों का सिक्वेंस हो गया और 4 का सेट बन जाएगा, और हुकुम का 4 देके भी 4 का सेट मैं बन सकता हूँ। सिर्फ एक कार्ड से, एक कार्ड मिल जाने से डिक्लेयर हो जाएगा, 3 का सेट बनने का भी चांस है। पान का 7 या फिर पान का 10 के आसपास पत्ता चाहिए था, इनका 1 का लेके फायदा नहीं होगा। देख लेता हूँ क्लोज डेक से क्या मिलता है। सिर्फ एक कार्ड चाहिए, पान का 2, इस बार डिक्लेयर नहीं हुआ। पान का 7 के आसपास पत्ता चाहिए था, 7 को फेंकता हूँ, क्योंकि 10 के आसपास पत्ता मिलने का चांस है। 9 भी मिल सकता है, या फिर गुलाम बेगम मिल जाने से, सिर्फ एक कार्ड मिल जाने से डिक्लेयर हो जाएगा। 7 को फेंका हूँ, नहीं उठाया, अच्छी बात है। देखता हूँ इस बार शायद हो जाएगा, इस बार गुलाम फेंका है, इस बार भी नहीं हुआ। 10 लेके क्या करूंगा, मेरे को और एक सिक्वेंस बनने का है। 10 का सेट बनाऊंगा तो और एक सिक्वेंस कहाँ मिलेगा, उसने गुलाम फेंका था इसलिए मैंने चिड़ी का 10 को ही जाने दिया, नहीं उठाया। बहुत टाइम हो गया, डिक्लेयर हो जाना चाहिए था। इनका 10 को रखता तो डिक्लेयर हो जाता, ठीक है जो हुआ हुआ। अभी देखता हूँ, अभी मेरे को जोकर मिल चुका है, पान का 2 एक्स्ट्रा कार्ड है, इसे देखे मैं फिनिश करता हूँ। उसका पॉइंट है 78, 22 पॉइंट से ज्यादा हो जाने से आउट हो जाता, लेकिन 20 पॉइंट हुआ है। इस बार मेरा ड्रॉप करने का पॉइंट है, तो फिर मैं स्प्लिट प्राइज नहीं करने वाला हूँ, उसका और ड्रॉप देने का पॉइंट नहीं है। उसका टोटल पॉइंट हुआ है 98 और मेरा 69, लेकिन इस बार मेरे को कार्ड अच्छा नहीं मिला, इसे मैं रिस्क नहीं ले सकता। सिर्फ एक जोकर मिला है, पियो सिक्वेंस भी नहीं है, इसे मैं ड्रॉप करता हूँ और चलता हूँ नेक्स्ट डील की तरफ। और एक डील बाकी है, उसमें जो डिक्लेयर करेगा वही जीतेगा। स्प्लिट प्राइज बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, जो होगा होगा, देखा जाएगा। मेरा 11 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसका 2 पॉइंट से ज्यादा हो जाने से वो आउट हो जाएगा। स्टार्ट हो चुका है, देख लेता हूँ, जोकर है, पियो सिक्वेंस नहीं है, लेकिन पियो सिक्वेंस बन सकता है, ये हो सकता है, देखता हूँ क्या होता है। चिड़ी का बादशाह 2 आ चुका है, एक को तो फेंकना ही पड़ेगा, देखता हूँ इसने तो चिड़ी का 8 फेंका है, अच्छी बात है, मेरा एक पियो सिक्वेंस तैयार हो गया। 7 8 9 मैंने बादशाह को छोड़ता हूँ, क्योंकि बादशाह कुछ काम का नहीं है। चिड़ी का बादशाह को फेंकूंगा तो चिड़ी का बैगम मिल सकता है, बैगम मिल जाने से एक जोकर मेरा फ्री हो सकता है। और चिड़ी का 5 है, इनका 5 है, यहाँ पे मैंने सिक्वेंस बना लिया। चिड़ी का 8 लेके फायदा नहीं होने वाला है, देख लेता हूँ पान का 6, इसे अभी रहने देता हूँ। 10 को फेंक दो क्या, 3 को फेंक देता हूँ, 10 को फेंकने से मेरा पॉइंट कम हो जाता तो और एक बार खेलने का चांस मिलता, लेकिन मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा। गुलाम लेके फायदा नहीं होने वाला है, गुलाम को ही फेंकता हूँ, बादशाह को फेंका था, नहीं उठाया। अभी भी बहुत सारा पॉइंट एक्स्ट्रा है, इसने तो इसको उठा लिया, शायद गुलाम का सेट बनाया होगा। 7 लेके फायदा नहीं होगा, मेरे को और एक गुलाम मिल चुका है, इस गुलाम को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि चिड़ी का गुलाम उसने उठाया,
उठाया है, बादशाह को नहीं उठाया, शायद गुलाम का शेर बनाया है, इसलिए मैंने तीन को फेंका हूँ, तीन उठाने का चांस नहीं है। अभी भी बहुत सारा कार्ड एक्स्ट्रा है, डिक्लेयर हो गया क्या उसका, देख लेता हूँ क्या होता है। इनका 10 नहीं चाहिए, मेरे पास भी है, जो कार्ड मेरे को मिल चुका है अभी मैं 10 को छोड़ता हूँ, उठाने का चांस नहीं है, उसने भी फेंका था, सिर्फ एक कार्ड चाहिए, 10 मेरे को मिल चुका है अभी हो गया, उसका 2 पॉइंट से ज्यादा हो जाने से आउट हो जाएगा। 5 का 6 देके मैं फिनिश करता हूँ, देखता हूँ उसका कितना पॉइंट हो रहा है, 54 आउट हो चुका है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू गाइज, गेम प्ले अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और किसी ने नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, टेक केयर।